ऑलरेडी इन लेक्चर्स में पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के दो मेथड्स पढ़ चुके हैं. सो फर्स्ट हमने पढ़ा था सीविंग मेथड, अनदर वन हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट लेक्चर में, विच वाज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड. सो टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट कंडक्टिविटी मेथड, विच इज ऑल्सो अ पार्टिकल साइज मेथड. So how we determine the particle size by the conductivity method, इसको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. क्या होता है कंडक्टिविटी मेथड, कैसे हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं बाय द कंडक्टिविटी मेथड, इसको देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडक्टिविटी मेथड का इंट्रोडक्शन क्या है. तो सबसे पहले एक शॉर्ट में समराइज वे में इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. अगर किसी पार्टिकल का साइज रेंज 0.5 to 500 माइक्रोमीटर है, उसको हम इस मेथड के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं. इसमें जो हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन करेंगे उसको एक्सप्रेस करेंगे डीवी, मतलब वॉल्यूम डायमीटर के नेम से और टर्म से. दिस मेथड इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ पार्टिकल ग्रोथ इन सस्पेंशन, इफेक्ट ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ ड्रग्स इन मीडियम. इस मेथड से हम ये स्टडी करेंगे अगर किसी सस्पेंशन में पार्टिकल ग्रोथ जो है और साथ साथ उसके एंटीबैक्टीरियल एजेंट का इफेक्ट, साथ ही साथ डिजोल्यूशन ऑफ ड्रग, कौन सा ड्रग डिजोल्व है मीडियम में, इसकी हम स्टडी और इसका एप्लीकेशन हम कंडक्टिविटी मेथड को हम इसके एप्लीकेशन में देख सकते हैं. तो बेसिकली इन सब में पार्टिकल का ग्रोथ क्या है, किस रेंज का पार्टिकल है, वो इन सब में देखते हैं. नेक्स्ट कोल्टर काउंटर मेथड इज अ सोफिस्टिकेटेड मेथड. तो कंडक्टिविटी मेथड में जिस एपरेटस का हम आज यूज करने वाले हैं वो है आपका इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस, विच इज अ कोल्टर काउंटर मेथड या कोल्टर काउंटिंग एपरेटस कहेंगे. और ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मेथड है. सोफिस्टिकेटेड मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इट इज अ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेथड. कॉम्प्लेक्स है बट इट्स एज वेल एज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. एक्यूरेसी इसमें बहुत मेंटेन रहती है अगर इस मेथड से हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं. द मेथड इज बेस्ड ऑन डिटरमिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज बाय मेजरिंग पार्टिकल वॉल्यूम. इसमें हम पार्टिकल साइज को मेजर करते हैं बाय मेजरिंग इट्स पार्टिकल वॉल्यूम. अगर हम पार्टिकल वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं तो इस तरह से हम पार्टिकल साइज को इस मेथड के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ देख लेते हैं कंडक्टिविटी मेथड में आगे क्या है, डिस्कस करते हैं द वेरियस सब टाइप्स. कंडक्टिविटी मेथड के वेरियस सब टाइप्स हैं, बट टू पॉपुलर सब टाइप्स हैं कंडक्टिविटी मेथड्स के, देख लेते हैं. तो दो में से हम एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम सेंसिंग जोन मेथड, या फिर हम इसको कोल्टर काउंटर मेथड भी कहते हैं. तो ये आपका वन वर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू बन सकता है कि हम कोल्टर काउंटर मेथड को और कौन से नाम से जानते हैं. तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम सेंसिंग जोन मेथड को हम कोल्टर काउंटर मेथड भी कहते हैं, और इसमें जो एपरेटस यूज होता है उसको कोल्टर काउंटर कहते हैं. ओके, तो नेक्स्ट मेथड है कंडक्टिविटी मेथड का लेजर लाइट स्कैटरिंग मेथड. बट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओनली कोल्टर काउंटर मेथड, विच इज मेंशन इन योर सिलेबस ऑल्सो. नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन लाइट इंटेंसिटी. ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसमें लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है. द मेजरमेंट ऑफ दिस चेंज इन लाइट इंटेंसिटी गिव्स एस्टिमेट ऑफ पार्टिकल साइज. लाइट इंटेंसिटी में चेंज होने से हम पार्टिकल साइज के चेंजेस को एस्टिमेट कर सकते हैं. कोल्टर काउंटर मेथड कैपेबल ऑफ काउंटिंग 4000 पार्टिकल पर सेकेंड. तो इस मेथड से हम 400 पार्टिकल पर सेकेंड में काउंट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम सेंसिंग जोन मेथड या कोल्टर काउंट मेथड जो है, इसमें हम सैंपल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं फॉर परफॉर्मिंग आर
एक्सपेरिमेंट और द प्रोसेस। तो सबसे पहले हम पाउडर जो सैंपल है उसको हम डिस्पर्स करेंगे, किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, जिससे क्या होगा, एक डाइल्यूट सस्पेंशन फॉर्म होगा। ओके, तो हम बेसिकली हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सस्पेंशन बना रहे हैं। किस तरह का? डाइल्यूट सस्पेंशन। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पाउडर है सैंपल उसको हम डिस्पर्स करेंगे, किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, जिससे क्या बनेगा, एक डाइल्यूट सस्पेंशन बनेगा। उसके बाद द सस्पेंशन इज यूजली सब्जेक्टेड टू अल्ट्रासोनिक एजिटेशन टू ब्रेक अप एनी पार्टिकल एग्लोमेरेट्स। इस सस्पेंशन को हमें अल्ट्रासोनिक एजिटेशन कराना होगा, जिससे अगर पार्टिकल में कोई एग्लोमेरेट फॉर्म हुआ है तो वो ब्रेक हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं। डिस्पर्सेंट में ऑल्सो बी एडेड टू एड पार्टिकल डी एग्लोमरेशन। अगर किसी पार्टिकल का एग्लोमरेशन फॉर्म हो गया है तो उसको डी एग्लोमरेशन प्रोसेस करने के लिए हम डिस्पर्सेंट ऐड करेंगे, जो कि एक आपका सर्फेक्टेंट होगा। तो डिस्पर्सेंट कोई भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, जो कि आपका सर्फेक्टेंट है उसको ऐड करने से अगर किसी पार्टिकल में एग्लोमरेशन फॉर्म हो गया है तो डी एग्लोमरेशन करने के लिए सर्फेक्टेंट इज एडेड टू एड पार्टिकल डी एग्लोमरेशन। गॉट दैट? तो ये हो गया हमारा सैंपल प्रिपरेशन फॉर कल्चर काउंटर मेथड। आगे देखते हैं मेथड कैसे प्रोसीड करते हैं। तो कल्चर काउंटर मेथड कैसे फॉलो करते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप मेथड है उसको देख लेते हैं। द पार्टिकल सस्पेंशन इज ड्रॉन थ्रू अ अपर्चर एक्यूरेटली ड्रिल्ड थ्रू अ सेफिर क्रिस्टल सेट इनटू द वॉल ऑफ हॉलो ग्लास ट्यूब। तो अभी हम इसके बाद कल्चर काउंटर मेथड का डायग्राम देखेंगे। बिफोर दैट मस्ट अंडरस्टैंड द मेथड। पार्टिकल जो सस्पेंशन है उसको हम एपरेचर में एक्यूरेटली ड्रिल करते हैं विद द सेफायर क्रिस्टल और सेट करेंगे इन वॉल ऑफ हॉलो ग्लास ट्यूब में। उसके बाद उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे एपरेचर के नेक्स्ट साइड, और जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल होगा। इन इलेक्ट्रोलाइट्स इस ग्लास ट्यूब में डिप होंगे और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रोलाइट्स डिप होंगे। दीज इलेक्ट्रोड्स मॉनिटर द चेंज इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो चेंजेस होंगे उनको मॉनिटर करेंगे, और जिससे क्या होगा, पार्टिकल पार्टिकल के मोमेंट कैसे होता है, ऑक्यूपाइज कैसे होता है द ऑरिफाइस, और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा अपने वॉल्यूम में वो दिखाएगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, और ये मॉनिटर करेगा। द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, जो इलेक्ट्रोलाइट के फ्लूइड का वॉल्यूम है विच इज डिस्प्लेस्ड इन द ऑरिफाइस by the presence of particle cause change in electrical resistance। इससे क्या होगा, electrical resistance में changes होगा between the electrolytes which is proportional to the volume of particle, जो कि particle के volume के proportional होगा। Here you can see that is the orifice, ये आपका electrode होगा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप्ड है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यहाँ पे है, यू कैन सी यहाँ मर्करी फिल है। ये एम्पलीफायर है, थ्रेशहोल्ड सर्किट है, पल्स एम्पलीफायर है, और यहाँ पे आपको शो होगा स्कोप, और ये काउंटर डाइव है, यहाँ पे डिजिटल रजिस्टर लगा हुआ है। कोल्टर स्विच ऑन करने से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है,
और हम अपना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐड करते हैं, और आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं पल्स हाइट को, जो प्रोपोर्शनल होगी पार्टिकल वॉल्यूम के। तो इस तरीके से हम इस मेथड के थ्रू, कोल्चर काउंटर मेथड के थ्रू, पार्टिकल वॉल्यूम को डिटरमाइन करके पार्टिकल साइज को काउंट कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? इसके थ्रू हम 0.5 to 500 माइक्रोन के साइज के पार्टिकल को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमें देती है, इट गिव्स नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट एंड कैन बी कन्वर्टेड टू डायमीटर। एक्यूरेट और सेंसिटिव और फास्ट टेक्निक है, एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, 4000 पार्टिकल्स पर सेकेंड में हम काउंट कर सकते हैं। बट इट इज़ अ एक्सपेंसिव मैथड। बट ये जो आपका कल्चर काउंटर एपरेटस है, दैट इज अ बिट एक्सपेंसिव देन अनदर सीविंग एंड द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मैथड। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कंडक्टिविटी मैथड। सो हियर आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच ऑल।